हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज़ मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम जो अपने प्रीवियसली पेपर दिए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, वो केमिस्ट्री का, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम को सॉल्व करवाने वाले हैं, है ना, जो आपका पिछले पेपर हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो एग्ज़ाम हुए थे आपके, तो दोनों में 15-15 क्वेश्चन थे, वन बाय वन उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी मेंशन अगेंस्ट ईच। हर किसी के सामने एक प्रॉपर्टी दे रखी है, इसमें आपको क्या देखना है कि रॉन्ग ऑर्डर किसका है इस प्रॉपर्टीज में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए क्या कहता है, O2 2 नेगेटिव, O2 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव है, पैरामैग्नेटिक मोमेंट। इसमें पैरामैग्नेटिक मोमेंट ढूंढनी है, और ये ऑर्डर सही है क्या पैरामैग्नेटिक मोमेंट का। तो पैरामैग्नेटिक मोमेंट कैसे ढूंढी जाती है ये आपको अच्छे से पता है ना। हम क्या करेंगे, उसकी मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मोलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम थोड़ा सेव हो सके, है ना। तो क्या होता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद अब देखिए क्या होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है भाई, है ना, जो आप लोग गलती कर सकते हो, क्या गलती हो सकती है, ऑक्सीजन O2 का मोलिक्यूल, आपको सबसे पहले न्यूट्रल मोलिक्यूल लेना होगा, न्यूट्रल मोलिक्यूल। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल में दोनों एटम न्यूट्रल होने चाहिए, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, 8 एक ऑक्सीजन में, दूसरे 8 दूसरे ऑक्सीजन में, 16 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास टोटल, इस 16 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। अब उसके बाद आप देखेंगे कि ये 14 से ज्यादा है, 14 है या 14 से कम है ना, तो ये 14 से ज्यादा आ रहा है, 14 से ज्यादा आ रहा है, तो ये वाला रूल फॉलो होने वाला है, यानी पहले सिग्मा 2pz भरा जाएगा, उसके बाद में पाई वाले दोनों ऑर्बिटल भरे जाएंगे ना, पाई 2px और पाई 2py, यहां पर y आएगा। ओके, तो सिग्मा 2pz पहले भरा जाएगा, अगर मान लीजिए वो 14 या 14 से कम हो तो ये दोनों ऑर्बिटल जो पाई 2px और पाई 2py है, ये पहले भरे जाएंगे, सिग्मा 2pz बाद में भरा जाएगा, बाकी सब सीक्वेंस सेम रहेगा, है ना। तो ये होता है रूल। अब हमें ये रूल पता लग गया, तो 16 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आप 16 इलेक्ट्रॉन को ही देखोगे, इसके बाद देखोगे कोई चार्ज है या नहीं, यानी अगर आपको 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन काउंट करने, तो पहले हम देखेंगे कि इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है। ये गलती होती है जनरली, बच्चे क्या करते हैं, न्यूट्रल नहीं टोटल इलेक्ट्रॉन सीधा काउंट करते हैं। अब यहां मान लीजिए +2 आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज है, -2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो हमें भरने 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए 2, 4, 6 और 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर भरे गए, और ये लगभग सब में भरे जाते हैं, क्योंकि अगर किसी का नंबर, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो सब में भरे ही जाते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसके बाद बात आती है कि 8 से ज्यादा वाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे जाएंगे, 8 और 2, 10, 2 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, याद रखना जो इक्वल का साइन लगे हुए, पहले उनमें 1-1 भरेंगे, फिर सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहां क्या कोई एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड है, नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड है, तो यानी ये पैरामैग्नेटिक है नहीं, और इसने बोला कि सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, है ना। रॉन्ग ऑर्डर, तो रॉन्ग ऑर्डर तो पहला ही आ गया हमारा, दैट्स इट। तो यानी एक्चुअल में राइट ऑर्डर यही है। अब देखिए जरा, एक्चुअल में राइट ऑर्डर यही होने वाला है। तो देखिए राइट ऑर्डर कैसे ढूंढने, मतलब हमारा रॉन्ग ऑर्डर उसने बोला था ढूंढने के लिए, तो रॉन्ग ऑर्डर ही हमारा राइट ऑर्डर है, इसका मतलब ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो यहां ए हमारा राइट वाला ऑप्शन है, पर इसके अलावा दूसरे ऑप्शन भी हम चेक करेंगे। बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करनी है NO नेगेटिव मॉलिक्यूल की, NO की, NO पॉजिटिव की। अब यहां बोन लेंथ कैसे कैलकुलेट होती है भाई, तो बोन लेंथ के लिए भी आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर सही है, किसी में डबल बॉन्ड है, किसी में 2.5 बॉन्ड है, किसी में 1.5 बॉन्ड है, किसी में आधा बॉन्ड है, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बोन लेंथ ज्यादा है, तो यानी यहां पर भी हम इसी सीक्वेंस को यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, NO नेगेटिव, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का फिर से वही सीक्वेंस आएगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 8, न्यूट्रल नाइट्रोजन और न्यूट्रल ऑक्सीजन के अंदर 7, 14 और 15, ये क्या आ रहा है 14 से ज्यादा आ रहा है, मतलब यही वाला ऑर्डर फॉलो होने वाला, तो 15 इलेक्ट्रॉन NO नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको फिलअप देखना है। तो 8 ये हो गए, 2 10, 2 12, 13, 14, 15, 16, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब याद रखना, आप दो एक में दो नहीं भर सकते, मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस वन। तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए, सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार, ये तो कैंसिल हो गए, है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सॉरी नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये जो स्टार वाले वो एंटी बॉन्डिंग है, तो हम बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, हमारे पास और डिवाइडेड बाय 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो देखिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये तो कैंसिल हो गए, पहले 8 तो कैंसिल हो जाते हैं डायरेक्टली, आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं कि पहले 8 डायरेक्टली कैंसिल हो जाते हैं, उसके बाद आपको देखने हैं
तो यहां दो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दो ये सारे के सारे बॉन्डिंग में है, छह इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, दो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में, छह और दो, दो को माइनस कर दो, यानी कि बॉन्डिंग में आ रहे हैं छह इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग में आ रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइडेड बाय टू ये होता है बॉन्ड ऑर्डर, छह सिक्स माइनस टू डिवाइड बाय टू, तो फोर बाय टू इक्वल आएगा टू, यानी कि एनओ नेगेटिव के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है टू, यानी कि डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद एनओ में, अब एनओ में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम होने वाला है, आप इसको कम कर दीजिए, ये हो गया जीरो। अब क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, देखिए ऊपर वालों का तो जीरो बन जाता है, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, इसलिए छह आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां जीरो हो गया, अब यहां जीरो होने का मतलब छह बॉन्डिंग में है, एक नॉन बॉन्डिंग में, सिक्स माइनस वन आएगा, डिवाइड में आएगा फाइव बाय टू आएगा, यानी कि टू पॉइंट फाइव बॉन्ड ऑर्डर आ गया, टू पॉइंट फाइव, यानी कि एनओ का बॉन्ड ऑर्डर है टू पॉइंट फाइव, सिंपल। एनओ पॉजिटिव, एक और इलेक्ट्रॉन घटा दिया, इसमें भी जीरो हो गया। अब क्या होगा, सिर्फ बॉन्डिंग में छह इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, सिक्स डिवाइडेड बाय टू, एंटी बॉन्डिंग में कोई है ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एनओ के अंदर है ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान देना हमने क्या ढूंढना था, अब वो बड़ी बात है, यानी हम कर क्या रहे हैं, हम बॉन्ड ऑर्डर ढूंढकर बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करेंगे, बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड ऑर्डर ढूंढने के बाद बॉन्ड लेंथ विल बी डिफाइंड। कैसे बॉन्ड लेंथ डिफाइन होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां देखिए बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, अब आपको ये ढूंढना है, ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ सबसे कम, टू पॉइंट टू एंड हाफ बॉन्ड लेंथ कम, डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ सबसे कम, सही सीक्वेंस है बॉन्ड लेंथ का, बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन सही है। और उसने बोला रॉन्ग ऑर्डर ढूंढना है, तो ये ऑर्डर तो सही है, इसका मतलब ये सही वाला है, ये रॉन्ग नहीं हो सकता। नेक्स्ट हाइड्रोजन H2HE2, बहुत आसान है ये तो, पहले कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हाइड्रोजन में, तो टोटल दो इलेक्ट्रॉन होते हैं H2 के मॉलिक्यूल के अंदर, अगर H2 के मॉलिक्यूल में टोटल दो इलेक्ट्रॉन है, अब जरा ध्यान से सोचिएगा, मैं इसे रब कर देता हूं आपकी हेल्प के लिए ताकि इजी रहेगा, है ना। तो देखिए H2 का मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, H2 टोटल इलेक्ट्रॉन दो है, तो इसमें पहले ही सीक्वेंस में 1s2 सिर्फ बॉन्डिंग में है, 2 डिवाइडेड बाय 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1, एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 1, यानी कि सिंगल बॉन्ड है इसमें, सिंपल सी बात है। बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, डबल बॉन्ड होगा बॉन्ड एनर्जी हाई होगी, ट्रिपल होगा बॉन्ड एनर्जी और हाई होगी, सिंगल होगा कम होगा, आधा बॉन्ड होगा तो एनर्जी बिल्कुल ही कम होगी, है ना। तो यहां हमने क्या निकाला, सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट H2 पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है यहां पे, सिग्मा 1s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया हाफ, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 0.5। और HE2 पॉजिटिव का, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब जरा ये सोचो भाई, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और HE2 दो हीलियम्स में कितने हो गए, चार पॉजिटिव है, तो कितना आएगा, दो हीलियम्स में HE2 पॉजिटिव, तो दो हीलियम से चार इलेक्ट्रॉन होते हीलियम में, और एक पॉजिटिव आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो थ्री आ गया। अब तीन इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, सिग्मा 1s में 2, फिर सिग्मा स्टार 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 हो गए। सिग्मा स्टार में आ गया, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो बॉन्डिंग टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है ये आ गया, कितना आएगा 1/2 हाफ आ गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है 0.2 हाफ, तो ये भी सही सीक्वेंस है। कैसे, अब आप ये कहेंगे कि सर दो का तो हाफ आ रहा है, ये देखिए इसका भी हाफ है इसका भी हाफ है, तो हम इसको सही सीक्वेंस कैसे मान सकते हैं, है ना। बॉन्ड लेंथ देखिए, इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी इसकी हाई होगी, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है तो इसका इसकी बॉन्ड जो बॉन्ड एनर्जी होगी इसकी थोड़ी सी इसके मुकाबले लेस होने वाली है, एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये ऑर्डर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला देखिए, बॉन्ड एंगल ढूंढना आपको NO2 के अंदर, ठीक है, ये थोड़ा सा लीक से हटकर क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो NO2 के अंदर बॉन्ड एंगल है, ठीक है, फिर उसके बाद NO2 पॉजिटिव, NO2 और NO2 नेगेटिव के अंदर, तो देखिए इसका बॉन्ड एंगल हम कैसे ढूंढने वाले हैं, ये थोड़ा सा सोचने वाला सा डिस्कशन वाला मैटर है। तो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड ओ लगा दीजिए, एक डबल बॉन्ड तो सीधा लग गया, है ना, उसके बाद में एक और अगर मैं सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देता हूं, अभी क्या है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन क्या करे, अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर भी डोनेट कर दे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दे, तो अब देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाने पर क्या होगा, नाइट्रोजन जब भी चार बॉन्ड बनाता है इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, दोनों ऑक्सीजन क्या है, क्या दोनों ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, हो सकते हैं दोनों ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन ने तो अपने दो बॉन्ड बना रखे, इस ऑक्सीजन ने भी अपने दो बॉन्ड बना रखे, नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बना रखे, जब भी नाइट्रोजन चार बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है,
तो नाइट्रोजन तो तीन ही बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब है। कैसे? टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास पांच, मान लीजिए चार इलेक्ट्रॉन बना लिए इसने, ठीक है, चार बॉन्ड बना लिए, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पांचवा इलेक्ट्रॉन नहीं है नाइट्रोजन के पास में, एनओ टू पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अगर एनओ टू पर पॉजिटिव चार्ज है, NO2 पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो 180 का बॉन्ड एंगल आना चाहिए इसमें, ये बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री ही होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, NO2 अकेला NO2 है, इसका मतलब डबल बॉन्ड O लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, पहला तो डबल बॉन्ड O लगाएगा, फिर इसके पास एक लोन पेयर होता है ऑक्सीजन को, अगर ये लोन पेयर डोनेट कर दे, अगर ये अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट कर दे, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, और नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन की वैलेंसी थ्री होती है, याद रखना, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बाइंड कर लिए ऑक्सीजन के साथ, और एक लोन पेयर पूरा डोनेट कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दो इलेक्ट्रॉन ये थे चार, और एक गिरा पाँच, टोटल पाँच इलेक्ट्रॉन पूरे करने, क्या बचा? फ्री रेडिकल बच गया इसका, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, लेकिन ये फ्री रेडिकल टाइप में है, यानी इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये लोन पेयर टाइप का इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो इन दोनों बॉन्ड्स को थोड़ा सा रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये बेंड हो जाएगा, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए, बॉन्ड एंगल क्या आना चाहिए, इसके मुकाबले कम हो जाएगा, है ना, तो ये लेस होगा, यानी कि इसका बॉन्ड एंगल जो है वो लेस हो गया। नेक्स्ट, NO2 नेगेटिव, अब नेगेटिव वाले में देखो क्या होगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, यहां पर नाइट्रोजन ने अपना लोन पर डोनेट किया, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव, नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव, और यहां एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा था, यही सेम मैंने बनाया, कुछ नहीं किया। अब इसके बाद एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तभी तो क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना, और नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज जब चला गया, और यहां पर आ गया एक लोन पेयर, लोन पेयर विल रिपेल मोर रादर देन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा रिपेल करेगा, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या आएगा, इससे भी कम आ जाएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल और भी कम हो गया, है ना, तो इस तरह से इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये आएगा, तो वो ऑर्डर बिल्कुल सही है, इसका बॉन्ड एंगल कम है, इसका ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है, ये 180 का है और ये इससे थोड़ा कम है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास, और इसके पास क्या है, पूरा एक लोन पेयर है, याद रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर, तो ये 180 है, ये आएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहां इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और इसके पास में एक लोन पेयर है, इसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा, दैट्स इट। तो यानी कुल मिला के ये भी हमारा ऑर्डर क्या है, सही है, तो पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए वैसे तो आपको पहले बार में ही आंसर मिल गया था, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उनमें कई बार दो ऑप्शन सही होते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, सभी ऑप्शंस को क्वालिफाई करना है, चेक करना है, मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम शायद ज्यादा लगा होगा, है ना, जब आप करेंगे तो बहुत आसानी से कम टाइम में ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट स्टेटमेंट इज ट्रू, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 0, NF3 नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है, तीन फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई, डाइपोल मोमेंट डेफिनेटली हमें पता है, तीनों फ्लोरीन की तरफ रिजल्टेंट आता है इसका, ये हमने पढ़ रखा है, हालांकि इसका इस तरफ जाएगा, लोन पेयर नाइट्रोजन को उस तरफ खींचेगा, फ्लोरीन के तीनों डाइपोल मोमेंट, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तीनों डाइपोल मोमेंट इस तरह से आएंगे फ्लोरीन के, है ना, तो ये कुल मिला के नीचे की तरफ रिजल्टेंट आएगा, और इसका डाइपोल मोमेंट होता है, जीरो तो नहीं होता, तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है, और अगर इसका डाइपोल मोमेंट है तो ये स्टेटमेंट गलत है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन द NH3। ये क्वेश्चन NCERT के अंदर भी आपने सॉल्व कर रखा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, नाइट्रोजन NH3 लेते हैं, तो देखिए NH3 हाइड्रोजन तीन जुड़े हुए हैं, एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से डाइपोल मोमेंट किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन, और ऊपर एक लोन पेयर भी है, लोन पेयर का अपना डाइपोल मोमेंट होता है, वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या जाएगा, पूरा ऊपर की तरफ जाएगा इसका रिजल्टेंट। NF3 के केस में क्या होता है, हमने ये NCERT में कर रखा है, तो ये आपको ध्यान जरूर होगा, NF3 तीन फ्लोरीन जोड़ देते हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो यानी फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और इस तरह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट तो नीचे की तरफ आएगा, है ना, और लोन पेयर भी, यहां देखिए लोन पेयर भी अपनी तरफ से डाइपोल मोमेंट लगाएगा, वो ऊपर की तरफ लगाएगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका किस तरफ होगा, लोन पेयर की तरफ या नीचे की तरफ, तीन फ्लोरीन नीचे खींच रहे हैं भाई, तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ होगा, ओवरऑल अगर रिजल्टेंट की बात करूं वो नीचे की तरफ आएगा, इसके केस में इसका डाइपोल मोमेंट कम आएगा, क्योंकि यहां दो अपोजिट फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, यहां सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना,
तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो NH3 का ज्यादा है, NF3 इज लेस देन द NH3। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यानी कि राइट स्टेटमेंट तो यही होनी चाहिए। द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज मोर देन, ये तो गलत अपने आप हो गया। डाइपोल NH3 का जीरो है, ये भी गलत हो गया। दैट्स मीन आंसर इज बी, दैट्स इट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑन बॉन्ड दैट मस्ट ओवरकम द कन्वर्टिंग लिक्विड? तो लिक्विड CH3OH टू ए गैस, मैथेनॉल है, इसको गैस बनाना है, तो क्या करें? इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स होता है, हमें पता है OH लगा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें CH3 में। देखिए कैसे होता है, CH OH, यहां पर हमने लगा दिया CH3, फिर से OH और इस तरफ CH3, है ना। अब देखिए हाइड्रोजन पर क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव। हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये बता देता हूं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन। जब ये तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो, अलग अलग इकट्ठे नहीं, अलग अलग, तीनों में से कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन साथ बॉन्डेड हो, है ना, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन पर आएगा स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव। और इसकी वजह से यही मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन करेंगे, इसी इंटरेक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स ऑल, नथिंग। तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जनरली ये होता है, देर आर सम एक्सेप्शंस, आपने पढ़े होंगे, है ना, तो हम जनरली बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ए इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन? नॉर्मल कंडीशन में कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट कैसे नहीं करेगा, इनके बीच में बॉन्ड है या नहीं, कैसे पता लगेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। तो MOT लगाते हैं, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, कितने हैं यहां पर, लिथियम बेरिलियम बोरोन और बेरिलियम, है ना, बेरिलियम दो बार है, लिथियम और बोरोन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, लिथियम का 3 होता है, तो हमें लगभग 5 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होंगे, 1s 1s, और इसके बाद में सिग्मा 2s, सिग्मा यहां आएगा सिग्मा 2s, और इसके अंदर भी 1 2 जितने भी भरने होंगे हम भर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव देखते हैं, बेरिलियम आपके पास में है और 2 है और 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने हो गए, 8 हो गए, 2 बेरिलियम में, 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो कितने आ गए, 7 आ गए। यहां पर 14 वाला रूल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक 2p नहीं भरता तब तक 14 से कम या ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, है ना, 2p में देखते होते हैं हम, तो यहां तो 2s तक ही काम चल जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो देखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s में 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन भर गए, 7 2 4 6 और 1 7। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 तो ये रहे एंटी बॉन्डिंग में और 1 ये रहा एंटी बॉन्डिंग में, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं, बाकी क्या है बॉन्डिंग, 4 बॉन्डिंग में 3 एंटी बॉन्डिंग में, 4 - 3/2 होगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0.5, तो 0.5 आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आता है, नहीं इसका बॉन्ड ऑर्डर है 0.5, दैट्स इट, कोई बात नहीं। B2 का कितना है, अब B2 की बात कर लेते हैं, B2 के मॉलिक्यूल के अंदर बोरोन 5 10 हो गए टोटल, तो B2 10 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो 2 4 6 2 8, यहां पर भी 2 आएंगे और नेक्स्ट क्या आएगा, 14 से कम है तो पहले पाई आ जाएगा, कोई बात नहीं, है ना, 2 10, तो यहां सिग्मा की जगह पाई 2px आएगा, इसमें 1 आएगा, चलिए मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं, तो यहां नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल क्या आएगा, सिग्मा पाई 2px इक्वल होगा पाई 2py, है ना, तो 2 4 6 8 और 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। 10 के 10 किस में है, 4 एंटी बॉन्डिंग में है, 2 4 6 बॉन्डिंग में है, तो 6 - 4/2 कितना आया, 1 सिंगल बॉन्ड, तो बोरोन बोरोन में तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। फिर इसके बाद बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम पॉजिटिव हमने निकाला था, आधा था, है ना, तो बेरिलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 8, इसमें 8 है, बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 6
और दो इसमें आ जाएंगे, आठ नीचे वाले में नहीं आएंगे, ये लो हम इसको उड़ा देते हैं, है ना, इसमें नहीं है। तो आठ इलेक्ट्रॉन है, चार एंटीबॉन्डिंग में, चार बॉन्डिंग में, फोर माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू कितना आया, जीरो, इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो, यानी कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, खत्म बात। लिथियम टू, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन एस टू और वन एस वन, यहां पर वन आ जाएगा, टू माइनस वन, लिथियम में तीन होते हैं, तीन और तीन सॉरी छह होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्स आने वाले, तो दो चार और दो छह, बॉन्डिंग में यहां पर भी दो आएंगे, तो बॉन्डिंग में हो गए चार, एंटी बॉन्डिंग में हो गए दो, टोटल क्या आया, टू बाय टू वन, बॉन्ड ऑर्डर आ गया वन, तो यानी कि इसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है, बाकी सब में नहीं होता, दैट्स इट, क्लियर है भाई। तो यानी कि हमारा सही आंसर कौन सा होना चाहिए, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स एक्ट एज लेविस एसिड, लेविस एसिड क्या होता है, लेविस बेस आपको पता होगा, अमोनिया लेविस बेस होता है, लोन पेयर होते हैं, बहुत आसान है इसको फाइंड करना, इसके पास एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन फैमिली के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन फैमिली के पास दो लोन पेयर है, और फ्लोरीन फैमिली के पास तीन लोन पेयर, ये तीनों के तीनों फैमिलीज क्या होती हैं, बेस होती हैं, लेविस बेस। अब लेविस एसिड कौन सा होता है, नाइट्रोजन से पहले था कार्बन, कार्बन के बाद पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन से पहले बोरोन, बोरोन फैमिली, दैट्स इट, बोरोन फैमिली ढूंढिए, अब इसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम होता है, कैसे वो थोड़ा सा बता देता हूं ताकि इजी रहेगा आपके पास। बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2, 2s में 1, 2px में 1, 2py में 1 और इसके बाद 2pz में 0, या आप z में 1 मान सकते हैं, p या x में से एक में 0 मान सकते हैं। तो देखिए ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट मतलब जब बोरोन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो हमें पता बोरोन तीन बॉन्ड बना सकता है, जैसे BH3 बना देते हैं, तीन बॉन्ड बन गए, 2PZ जो है बोरोन का ये रह गया खाली। तो क्योंकि 2PZ बोरोन का खाली है, पूरी बोरोन फैमिली में ऐसा ही होता है, इसमें 2PZ खाली है, उनमें 3PZ, 4PZ, 5PZ, p ऑर्बिटल ही खाली होगा, है ना, तो वो खाली है तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसीलिए बोरोन जो है वो सिंगल BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, BH3 जो है वो एक्चुअल में डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं B2H6, और यही लोन पेयर क्योंकि एक्सेप्ट कर सकता है, और लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, लेविस एसिड, तो यानी हमारा यही ऑप्शन राइट है, बाकी सारे गलत है, समझ सकते हैं आप, अब अपने हिसाब से अंदाजा लगा लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें इंक्रीज हो रहा है, है ना, करेक्ट ऑर्डर किसका है। तो देखो भाई यहां ना तीन चीजें देखिए, NaCl, BeCl और LiCl, हमें पता है NaCl तो क्या होता है, आयनिक होता है, प्योरली आयनिक है, तो यानी ये सबसे पहले होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग में। तो देखिए NaCl को सबसे पहले ढूंढ लो, बात ही खत्म है, NaCl सबसे पहले कहां पर है, C में NaCl है सबसे पहले है, फिर LiCl, फिर BeCl। अब आपको ये चीज पता होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, ये हमारी एल्कली मेटल्स है, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, आगे नीचे आ जाएंगे जो भी है, है ना। तो यानी लिथियम और बेरिलियम एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाते हैं, आपको पता है सारे के सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये वाले जो है ना कुछ कुछ कोवेलेंट बनाते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है, यानी कि लिथियम जो कोवेलेंट बनाएगा, बेरिलियम उससे भी ज्यादा कोवेलेंट बनाएगा, तो यानी कि लिथियम पहले आएगा फिर बेरिलियम आएगा दोनों क्लोरीन के साथ में, और सोडियम तो हमें पता ही है कि आयनिक बॉन्ड बनाता है, NaCl है, तो यानी सी विल बी द राइट ऑप्शन, सीधा आंसर था, कोई ज्यादा इसमें सोचना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज, बॉन्ड एंगल किसमें डिक्रीज हो रहा है, तो इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, सीधी सी बात है, बेरिलियम जो है वैलेंसी 2 है, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो वैलेंसी है, 2s2 में दो है, वो एक्साइट होकर 2p में चला जाएगा, है ना। तो यानी बेरिलियम दो वैलेंसी होती है, एक क्लोरीन इधर जोड़ दिया, एक क्लोरीन इधर जोड़ लिया, 180 का बॉन्ड एंगल होगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, खत्म। NO2 और SO2, अब देखो NO2 का अभी हमने NO2 का मॉलिक्यूल बनाया था, अगर याद हो NO2 का मॉलिक्यूल, NO2 न्यूट्रल बनाया था, क्या था नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड वो बनाएगा, फिर क्या है, एक लोन पेयर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी सिंगल बच जाएगा, फ्री रेडिकल वाला पॉजिटिव नेगेटिव टोटल न्यूट्रल हो गया, ऐसा मत समझिएगा इसमें कोई चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है टोटल न्यूट्रल, है ना। तो टोटल न्यूट्रल NO2, एक सिंगल
इलेक्ट्रॉन है जो रिपेल करेगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा स्ट्रक्चर। SO2 देखिए, सल्फर 2, 4 और 6 वैलेंसी दिखाता है, यहाँ पर 4 वैलेंसी दिखाएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर बचेगा इसके पास, काफ़ी बेंट हो जाएगा, थोड़ा बेंट, काफ़ी बेंट, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, बोन एंगल सबसे कम इसका होगा, SO2 का सबसे, फिर उसके बाद इसका होगा, फिर इसका होगा, तो यानी ए इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन देखेंगे सब उल्टे पुलटे यही है, दैट्स इट, समझ गए होंगे, है ना, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। अभी अभी हमने डाइपोल मोमेंट किया था, BF3, NF3, NH3, तीन दे रखे हैं। अब देखिए जरा, BF3 हमें पता, BF3 का तो हमें पता ही है कि इसका स्ट्रक्चर कितना होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा, सपोज दैट इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा फ्लोरीन की तरफ, इसका इस तरफ जाएगा, इसका इस तरफ जाएगा। इमेजिन कीजिए बीच में सेंटर में कोई मास रखा हुआ है और तीन अलग अलग ट्रैक्टर हैं, सेम कंपनी के ट्रैक्टर हैं और ऑटो पायलट है, मतलब अपने आप चलते हैं ऑटोमेटिकली, है ना, हमने सेम फोर्स के साथ सेम ट्रैक्टर सेम कंडीशंस देकर फ्लोरीन को खींचने के लिए लगा दिया। ये मास इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, सेंटर का मास कहीं नहीं जाएगा, पंखे के तीन पंख की तरह, तो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो, ना ये इधर जा रहा, ना इधर जा रहा, ना इधर जा रहा, इसके इलेक्ट्रॉन सेंटर में ही रह गए, तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू आएगी जीरो। BF3 जीरो होता है, NF3 और NH3 के बीच में, अभी हमने देखा था कि NH3 का ज्यादा होता है ना, तो इसने बोला ये तो गड़बड़ है, तो हमें क्या देखना है, BF3 जीरो देखना है, कहां पर है BF3 जीरो, ये रहा BF3 जीरो है, NF3 का थोड़ा है, NH3 का सबसे ज्यादा है, डी इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट, यस, क्लियर है ना, ये तो हमने अभी अभी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। कंसिडर द स्टेटमेंट, बॉन्ड लेंथ इन N2 इज 0.02 एंगस्ट्रॉम ग्रेटर देन N2। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हमें यह पता करना है कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा और किसकी कम है और कितने पॉइंटों में कम है, क्या हम ये पता कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, गड़बड़ हो गई है ना, तो फिर क्या करें, कैसे पता करें, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर यानी कि डबल बॉन्ड है छोटी बॉन्ड लेंथ, ट्रिपल है और छोटी, सिंगल है थोड़ी सी बड़ी, हाफ बॉन्ड है और बड़ी, तो यानी कि हम सिर्फ इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के अंदाजा लगा सकते हैं N2, तो वही कहानी करेंगे। अब N2 देखिए, नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, तो यानी कि इसमें रूल कौन सा लगेगा, सिग्मा, अब मैं जरा फटाफट आपको बता दूं, लिख देता हूं, है ना, क्योंकि पीछे हम लिख चुके हैं सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर इसके बाद में सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ये तो हो गया सिग्मा वाले। अब क्या आएगा यहां पर 14 या 14 से कम वाले में क्या आता होता है, पहले पाई आएगा 2s के बाद पाई और 2 पाई px इक्वल होगा 2 पाई, रुकिए है ना, 2 पाई py, इन दोनों की इक्वल होने वाली एनर्जी। फर्दर क्या आएगा, अब आएगा सिग्मा 2 pz ऑर्बिटल और इसके बाद में पाई स्टार वाले आएंगे दोनों और फर्दर सिग्मा स्टार वाला आएगा, तो हमारा इतने में काम चल जाएगा। खैर तो देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 2 भर दिए, फिर 2 भर दिए, फिर 2 भर दिए, 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन तो सीधे हो गए, फिर उसके बाद 8 और 2, 10 और 2, 12 और यहां पर क्या आएगा, 2, 14, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 भर दिए, 8 तो अपने आप में जीरो हो जाते हैं, 4 एंटी बॉन्डिंग, 4 बॉन्डिंग, ये तो जीरो हो गई, इसको काउंट ही मत करो, और करना चाहो तो आप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, है ना। तो फिर इसी को काउंट करेंगे, इसमें क्या है, सारे के सारे क्या है, इसमें सारे के सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, स्टार वाला तो कोई है नहीं, तो 6 बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 6/2, 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। ये वाले काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, ये 8 के 8 ये काउंट नहीं करता मैं, क्यों नहीं करता, क्योंकि इस 8 को अगर आप काउंट करोगे तो देखिए 4 आ गए एंटीबॉन्डिंग में, 4 आ गए बॉन्डिंग में, तो 4 - 4 = 0 तो यहां बन जाता है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करते। अगर ये 8 से कम हो इलेक्ट्रॉन तब इनको काउंट किया जाता है ना। आपने प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली ये बात समझ में आ रही होगी, 6/2 = 3, तो ये 3 आ गया यानी कि बॉन्ड ऑर्डर N2 में तो आ गया 3, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है भाई, बात खत्म। N2 पॉजिटिव में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, कहां से कम करें, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से कम होगा, यहां आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5 आ गए, 5/2 यानी कि 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। अब देखिए जरा, बॉन्ड ऑर्डर किसका कम है,
किसका ज़्यादा है, आपको यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम है, जिसका 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर, वो क्या होगा। अब ये बोल रहा है बॉन्ड लेंथ N2 इज इतना ग्रेटर, इसकी ज़्यादा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, बेशक इसकी ज़्यादा है और इसने यही लिखा हुआ, कितनी ज़्यादा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, कंसिडर द स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट एकदम आपकी सही है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो हो गई सही। नेक्स्ट देखिए बॉन्ड लेंथ NO पॉजिटिव, अब NO पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, उसका भी हमें इसी तरह से कुछ ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। तो NO पॉजिटिव का देखिए, अरे मैंने गलत कर दिया, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिटानी है ना, तो NO पॉजिटिव, अब देखिए जरा NO पॉजिटिव को देखते हैं, NO को देखेंगे सबसे पहले, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में टोटल बन रहे हैं 15 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 14 से ज्यादा वाला रूल लगेगा, मतलब पहले 2pz भरा जाएगा। अब ये बात आएगी यहां, ये वाला ऑर्बिटल पहले, 2pz ऑर्बिटल सिग्मा वाला पहले भरा जाएगा और उसके बाद में, चलो इसको मैं फिर से साफ साफ लिख देते हैं, पहले सिग्मा 2pz ऑर्बिटल भरा जाएगा, इसके बाद में 2px पाई वाला, और फिर पाई 2py ये वाले ऑर्बिटल बाद में भरे जाएंगे। ये डिफरेंस होता है जब 14 से नंबर ज़्यादा आ जाए, तो 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं NO में, फिर NO पॉजिटिव भी भर देंगे, तो 15 इलेक्ट्रॉन भरेंगे भी 2, 4, 6, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 14, 15वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अब इसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन भी तो भरा जाएगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन फिर से भरते हैं, पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py, है ना। तो कितने भर गए थे, 8, 10, 12, 14 और 1, 15, एक इलेक्ट्रॉन आ गया एंटीबॉन्डिंग में, ऊपर वाले 8 मत देखिए क्योंकि वो 0 हो जाएंगे 4 - 4 करके, तो नीचे वाले बचेंगे हमारे पास, तो कितना आएगा 2, 4, 6, 6 है बॉन्डिंग में, एक है एंटीबॉन्डिंग में, तो 6 - 1/2 कितना आया 2.5, बॉन्ड ऑर्डर है इसका 2.5, किसका NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है NO का। फर्दर NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना, अब NO पॉजिटिव का ढूंढ लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गायब करना है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन 6/2 आ जाएगा सीधा 3, NO पॉजिटिव का आ गया बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, है ना। चलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपके पास, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब वो क्या करा, बॉन्ड लेंथ ऑफ NO पॉजिटिव इज लेस, इसकी कम है NO से, NO का तो 2.5 है, NO पॉजिटिव का 3 है, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बिल्कुल सही है, ये वाला पॉइंट भी एकदम सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, O2 नेगेटिव है शॉर्टर बॉन्ड लेंथ देन O2, O2 नेगेटिव और O2, O2 में हमें पता है डबल बॉन्ड होता है ना, O2 में डबल बॉन्ड है, और O2 कैसे भरा जाता है, अब यही सेम टू सेम इसी के अंदर O2 नेगेटिव भर दो, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, 8 एक ऑक्सीजन में, 2 ऑक्सीजन में 16 हो गए, उधर कितना 18 इलेक्ट्रॉन यहां भरने आपको, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी इसमें भी 2 आएंगे। अब देखिए जरा, यहां पर भी 2 हो जाएंगे और यहां पर भी 2, तो एंटीबॉन्डिंग में आ गए 4, बॉन्डिंग में आ गए 6, 6 - 4 इक्वल कितना हो गया 2/2, कितना आया 1, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, यानी O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड है इसमें, अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें डबल बॉन्ड है, तो वो क्या कह रहा है O2 ने है शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी क्या, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले की छोटी होगी ना, ये वाला ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी सही है, 1 और 2 ट्रू है, सेकंड वाली गलत है, तो ए विल बी द राइट ऑप्शन, दैट्स इट, क्लियर है गाइज, ए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए चेंज फ्रॉम PCl3 टू PCl4 द हाइब्रिड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस चेंजेस फ्रॉम, फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज होगी, PCl3 और PCl5 के अंदर देखनी है यार, कुछ नहीं करना है ना, ध्यान दीजिए PCl3 और PCl5 में हाइब्रिड स्टेट की ऑर्बिटल की स्टेट देखनी है कि वो कैसे चेंज हो रही है, तो चलिए दिखाता हूँ उसको मैं, है ना, सिर्फ डायग्राम देख लो, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। PCl3 का डायग्राम बनाइए, हमें पता है ये क्या होता है, एक लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर आ गया, है ना, 3 और एक, यानी कि लोन पेयर एक है प्लस 3 सिंगल बॉन्ड है, तो टोटल 4 हो गए, तो 4 sp3 विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, s का 1 p के 3 टोटल 4 लोन पेयर प्लस सिंगल बॉन्ड का नंबर
अगर चार आ रहा है तो एस से शुरू कीजिए, पी के तीन, टोटल चार करने आपको, यही होती है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। सेम पीसीएल फाइव के अंदर क्या होगा, पीसीएल फाइव के अंदर इसका, पीसीएल फाइव का आपको स्ट्रक्चर डेफिनेटली पता होगा, ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल होता है, ऊपर और नीचे क्लोरीन जुड़ी हुई है, तो ये बनेगा ट्रायंगल, ये बन गया ट्रायंगल, और ऊपर नीचे वाले ये पिरामिड बनेंगे अगर हम इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे सभी तरफ से जोड़ दें। तो इसके अंदर देखिए टोटल, आप इसमें देखिए टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हैं, टोटल सिंगल बॉन्ड पांच, लोन पेयर नहीं है, तो इसका टोटल नंबर आता है फाइव। तो एस से शुरू करेंगे, एस पी थ्री, तीनों एक चार हो गए, और नेक्स्ट आएगा डी, एस पी थ्री डी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी थ्री डी। तो एस पी थ्री और एस पी थ्री डी देखिए कहां पर है, सी इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 था ना वो, यस 26। तो चलिए 26 करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन। तो आपके पास एक रिएक्शन है BF3 NH3, BF3 और NH3, मैंने बोला था NH3 क्या होता है, NH3, ध्यान देना इस पे, NH3 के पास एक लोन पेयर होता है ना, तो NH3 के पास एक लोन पेयर है, तो जरा नो भाई गड़बड़ हो गई है ना, ठीक है, इज दिस ओके, या NH3 इसके पास में एक लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर, और BF3 के अंदर अभी अभी हमने डिस्कशन किया था बोरोन जो है वो लेविस बेस होता है ना, पूरी बोरोन फैमिली, इसके पास एक खाली ऑर्बिटल होता है, ये खाली ऑर्बिटल इसके साथ शेयर करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के अंदर शेयर्ड हो जाएंगे, और इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड, यानी हम सीधा सीधा बोल सकते हैं नाइट्रोजन जो है वो बोरोन के साथ में कुछ ऐसा बॉन्ड बनाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, है ना, एसिड बेस अडक्ट बोलते हैं इसे, ये था लेविस एसिड, ये है लेविस बेस, NH3 लेविस बेस, और BF3 लेविस एसिड, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, वो डोनेट करता है ना, एसिड बेस अडक्ट, अडक्ट का मतलब जोड़, एसिड बेस का जोड़ हो रहा है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया इसको। तो देखो अब चारों के, दोनों के सॉरी, बोरोन और नाइट्रोजन दोनों के चार चार बॉन्ड हो गए, NH3 चार बॉन्ड बना रहा है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, BF3 चार बॉन्ड बना रहा है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बोथ हैव द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ n एंड बोरोन और नाइट्रोजन दोनों की चेंज होने वाली है, सी इज द राइट ऑप्शन, Both have sp3 structure, sorry, tetrahedral structure and sp3 hybridization. Next question, hybridization of central atom N3, NOCl, N2O are respectively. अब देखो भाई इसमें azide का आपको structure बनाना आना चाहिए, है ना? Hybridization अपने आप आएगी, सिर्फ structure आना चाहिए. Double bond nitrogen, double bond nitrogen. यहाँ पर होता है positive charge. इसके पास होते हैं दो lone pair. इसके पास भी दो lone pair. ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखना नाइट्रोजन के पास में, यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन के पास छः छः इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इस नाइट्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर चार बॉन्ड बना रहा है, वैसे भी चार बॉन्ड जब भी नाइट्रोजन बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बीच वाले नाइट्रोजन का आपको क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन, बीच वाले नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो सिंगल बॉन्ड काउंट होता है हाइब्रिडाइजेशन में, डबल बॉन्ड काउंट नहीं होता, है ना, तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे कितने हैं, दो ही है, एक एक डबल बॉन्ड है, एक एक सिंगल बॉन्ड है, तो सेंट्रल एटम के पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, sp, sp हाइब्रिडाइजेशन, पहले की sp आएगी। NOCl के अंदर देखो भाई, यहाँ नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, क्लोरीन, तीन बॉन्ड नाइट्रोजन के पूरे हैं, ए और सॉरी तीन बॉन्ड नाइट्रोजन के पूरे हैं, दो बॉन्ड ऑक्सीजन के पूरे हैं, एक बॉन्ड क्लोरीन का पूरा है, सबके सारे बॉन्ड कंप्लीट है, तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, डबल बॉन्ड तो नहीं करेगा, क्या आएगा, डबल बॉन्ड अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा है तो कौन करने वाला है भाई, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर भी करता है, लोन पेयर को भूलना नहीं, वहां पर लोन पेयर था ही, तो लोन पेयर भी करता है, तो इस वजह से ये मैं पॉइंट हटा देता हूं, है ना, तो लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन करता है, तो यहां पर कितने आएंगे टोटल, यहां पर आ जाएंगे एक दो सिंगल बॉन्ड है और एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता, तो टोटल कितने हो गए, तीन, तो यानी कि इसके अंदर आएगा एस पी टू, पी के दो एस का एक, टोटल तीन, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वाला देखो एन एन टू ओ, नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन है एन टू ओ, तो एन टू ओ का स्ट्रक्चर कैसे होगा, बस आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ लगा दो और यहां पर नाइट्रोजन क्या करे, अपना लोन पेयर नाइट्रोजन को डोनेट कर दे,
तो क्या होगा, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और क्या होगा, इसने अपना एक लोन पेयर डोनेट कर रखा है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसके पास में बाकी का क्या होगा भाई, एक लोन पेयर डोनेट कर दिया तो इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पांच के पांच इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी रहेंगे, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, इसमें भी दो ही सिग्मा बॉन्ड बन रहे, एक सिंगल बॉन्ड इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इसके हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आने वाली है, एसपी। तीनों की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एसपी आने वाली है, दैट इज सॉरी दो की एसपी है, एक की एसपी टू है, बीच वाले की एसपी टू है, एसपी एसपी टू एसपी, दिस इज द सीक्वेंस, ए इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट, क्लियर है गाइज। स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर के अंदर कौन लोन पेयर कितना, इलेक्ट्रॉन का हिसाब कीजिए, बस आपके सामने आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, दिस इज द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बी एफ बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट, बी एफ बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी किसमें होगी, छोटी, तो क्या डबल बॉन्ड देखे, यहाँ तो सारे सिंगल हैं, यहाँ भी सारे सिंगल हैं, यहाँ भी सारे सिंगल हैं, यहाँ पर भी सारे सिंगल हैं, तो क्या होता है, आपने एक केस पढ़ा होगा, बोरोन तीन फ्लोरीन्स जोड़ देते हैं, हमें पता है बोरोन के पास में एक पी ऑर्बिटल खाली होता है ना, अभी अभी किया था, पी ऑर्बिटल बोरोन के पास में एक खाली है, तो ये फ्लोरीन के पास में तीन तीन लोन पेयर होते हैं, सभी फ्लोरीन्स के पास तीन तीन लोन पेयर हैं, एवरी फ्लोरीन हैज थ्री लोन पेयर्स, सभी फ्लोरीन तीन तीन लोन पेयर रखे हुए हैं, है ना, तो सभी फ्लोरीन्स के पास तीन तीन लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करता है, ये लोन पेयर जो है वो इसके साथ शेयर हो सकता है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, यानी ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, कभी ये करेगा, कभी ये करेगा और कभी ये वाला करेगा, है ना, कोई भी एक फ्लोरीन का कोई एक लोन पेयर जो है साइमल्टेनियसली किसी टाइम पर बोरोन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा होगा, तो इसमें हल्का सा डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, बाकी सब में नहीं होता, बी एफ फोर, बी एफ फोर बोरोन ने चार बॉन्ड बना लिए, लो भाई चार बॉन्ड बनाएंगे तो हमें पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, लेट मी मेक इट बी एफ फोर, तो देखिए बोरोन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, बोरोन बिल्कुल सेम टू सेम टेट्राहेड्रल जैसे सी एच फोर बनाता है वैसा स्ट्रक्चर बना देगा, है ना, तो ये लीजिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, और इसमें से बोरोन पर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि बोरोन ने किसी फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, जो फ्लोरीन नेगेटिव था वो इसके ऊपर अटैक करता है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, चारों फ्लोरीन न्यूट्रल हो गए, चार बॉन्ड बन गए, बोरोन पे आ गया नेगेटिव, बी एफ फोर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, डेफिनेट है, इसके अंदर क्या अब खाली ऑर्बिटल बचेगा, खाली ऑर्बिटल, बोरोन ने चार बॉन्ड बना लिए, चौथा ऑर्बिटल जो खाली था पी ऑर्बिटल उसमें तो बॉन्ड बनाया, खाली ऑर्बिटल बचा नहीं, बैक बॉन्डिंग की गुंजाइश नहीं, हालांकि तीनों चारों के पास लोन पेयर होगा लेकिन खाली ऑर्बिटल नहीं है बोरोन के पास, सेम टू सेम बी एफ थ्री एन एच थ्री, अभी अभी हमने देखा एसिड बेस अडक्ट पिछले क्वेश्चन में ही था, है ना, तो ये भी लोन पेयर बोरोन को देगा, इसका खाली ऑर्बिटल भर देगा, यहां भी लोन पेयर बोरोन को देगा, खाली ऑर्बिटल भर देगा, हर तरफ खाली ऑर्बिटल भर रहा है, सिर्फ बी एफ थ्री में नहीं है, इसमें होती है बैक बॉन्डिंग, दैट इज वाई बैक बॉन्डिंग होगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब है इसके अंदर बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगा, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्स ओ एक्स बॉन्ड एंगल इज, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यू कह सकते हैं आप लर्निंग बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, है ना, तो भाई मेमोरी बेस्ड के अंदर क्या होता है, कैसे होता है क्वेश्चन, तो देखिए मैं आपको इसका सीधा हिसाब देता हूं, ऑक्सीजन क्लोरीन क्लोरीन, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है बॉन्ड एंगल कम होता है ना, यहां पर देखें तो फ्लोरीन फ्लोरीन ऊपर दो लोन पेयर, ये दो लोन पेयर है दोनों के पास, जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है, इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होना चाहिए, है ना, इसका ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम, और बीच में जो है वाटर, अब ये तकलीफ देगा आपको, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तो सबसे कम है, सबसे कम है तो ये तो तीसरे नंबर पर होना चाहिए, लेकिन ये इन दोनों के बीच में फंस जाता है, ये थोड़ा अब आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रिकी है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है तो बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा, वाटर सबसे कम है तो सबसे लास्ट में होना चाहिए, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन का साइज डिपेंड करता है, फ्लोरीन का साइज भी छोटा है लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर वेरी करता है, वहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर वेरी करता है, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ये पास आ जाते हैं, तो ये आपको ट्रिकी होगा, यानी कि ये वाटर बीच में आएगा, दैट इज बी इज द राइट ऑप्शन,
वाटर बीच में, फ्लोरीन सबसे पहले, दैट्स इट, है ना। तो थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव द लार्जेस्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी किसमें होगी, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। कैसे पता लगेगा? KO2, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। KO2 जो है, अगर आप सही देखें, KO2 क्या होता है? KO2 के तो पॉजिटिव है, निकल जाएगा, O2 पर वन नेगेटिव चार्ज। फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया? O2 तो O2 ही रहेगा, O2 तो O2 रहने वाला है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? O2 पर पॉजिटिव दे रखा, खुद ही पॉजिटिव दे रखा, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। AsF6 है और इसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा O2 पर यहाँ पॉजिटिव है, तीसरा ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में क्या है? K2O2, K2O2 में K2 तो निकल जाएगा, 2K2 पॉजिटिव यहां से निकल जाएंगे, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? 2 पॉजिटिव। अब आपको आसान लगेगा करना, ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव, ऑक्सीजन नॉर्मल है, ऑक्सीजन पर 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर 2 पॉजिटिव है। तो जिस ऑक्सीजन में नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो क्या होगा? लार्जेस्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा क्या? वो शॉर्ट होगा, जिसमें कम है वो लार्ज होगा। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, आपको ये निकालना है। तो देखिए, ऑक्सीजन के अंदर, अब मैं सीधा बता रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा, ऑक्सीजन में हम पहले 1s, σ1s, σ2s उसको नहीं लेंगे, वो 8-8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 नेगेटिव में कितने होंगे? O2 नेगेटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? तो O2 नेगेटिव के अंदर प्लस 1 हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन भरने, 8 तो गए, सीधा 8 माइनस कीजिए, 17 माइनस 8, क्योंकि वो शुरू में चले जाते हैं 8 वाले, है ना। तो बचे कितने? 9 इलेक्ट्रॉन। तो आपको 9 इलेक्ट्रॉन भरने कहां से शुरू करते होते हैं? सिग्मा 2p जेड से भरे जाएंगे दो, फिर उसके बाद में π2p x होगा, फिर π2p y होगा, और ये दोनों इक्वल होंगे, तो 2 और 2 6 भरे गए, फिर पाई स्टार होगा 2px, फिर होगा पाई स्टार 2py, है ना। तो 2 4 6 7 8 और 1 9, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो कितने हो गए भाई? एंटीबॉन्डिंग में 3 हो गए, बॉन्डिंग के अंदर 6 हो गए, तो 6 माइनस 3 इक्वल आएगा 3 डिवाइड बाई 2, कितना आया? 3/2, 1.5, यानी कि इसके अंदर होगा, इसमें 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा, 1.5। O2 के अंदर हमें पता है, O2 में डबल बॉन्ड होता है यार, बात ही खत्म है। O2 पॉजिटिव के अंदर क्या होगा? O2 पॉजिटिव, O2 हमने भरा, नेगेटिव भरा था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां था और उसको उड़ा देंगे, इसमें आगे 0, फिर पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, है ना, एक इलेक्ट्रॉन और गायब कर देंगे, O2 पॉजिटिव। तो क्या आएगा? 6 माइनस 6 माइनस 1 इक्वल डिवाइड बाई 2, 5/2, 2.5, है ना। तो ये आ गया 2.5, तो हमारे पास 2.5, यानी 2.5 होगा हमारे पास इसमें, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट O2 2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन और उड़ा दो यहां से, 6/2, O2 2 पॉजिटिव में ट्रिपल बॉन्ड होगा, बात खत्म है। क्या आ रहा है भाई ऑर्डर? अब आप ढूंढ लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड वाले का होगा, सिंगल का होगा, डबल का होगा, O2 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव इज दिस, 2 नेगेटिव बनेगा, सॉरी, ये गलत हो रहा है ना, रुकिए, ये गलत हुआ थोड़ा सा, यहां देखना हमने इसको गलत लिया, ये 2 नेगेटिव बनेगा, O2 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव बनेगा भाई, 2 पॉजिटिव नहीं, क्या बाकी के भी सही किए हमने? ये तो O2 पर 1 पॉजिटिव था ऑलरेडी, ये नॉर्मल था, और ये O2 हाँ 1 नेगेटिव बने, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव बनेगा, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो 2 नेगेटिव बनेंगे, तो यानी कि 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे भाई, तो 8 वहाँ पर चले गए, तो 10 2 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पर 2 2 आएंगे, यहाँ पर 2 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एंटीबॉन्डिंग में कितने हो गए? 4, पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग में 4 और बॉन्डिंग में 6, तो 6 माइनस 4 कितना आएगा? 2/2 बॉन्ड ऑर्डर 1, यस, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, सबसे छोटा बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, डी विल बी द राइट ऑप्शन, यस, क्लियर है गाइस? थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हुई थी, O2 पर 2 पॉजिटिव लिख दिया था मैंने, वो 2 पॉजिटिव नहीं, 2 नेगेटिव आया, क्योंकि 2 पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स इट। यानी यही कहानी लिखनी है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर लिखनी आ रही है, तो दैट्स मीन सब कुछ आ रहा है हमें, और कुछ जरूरत ही नहीं है।